हेलो फ्रेंड्स संध्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं ऐसा लड्डू कि जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये लड्डू इसके लिए हम 500 ग्राम अलसी के बीज को ले लेंगे आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं और ये हमने लिया है गोंद जिसे हम सर्दियों में अक्सर गोंद के लड्डू बनाते हैं इसे गोंद को भी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि गोंद हमारे बहुत ही फायदेमंद होता है अब हम अलसी के बीज को पहले हम भूनेंगे अलसी इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लें जब तक कि अलसी बिल्कुल चटकने ना लगे देखिए भूनने के बाद ये बिल्कुल चटकने लगता है ये अब समझिए ये भून चुकी है इसी तरह हम दोनों बार हमने दो बार में भुना है अलसी को ऐसे ही भून लें ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए देखिए बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जा रहा है बस इतना ही भुनना है और हम ले लेंगे ढाई सौ ग्राम ए है सफ़ेद तिल आप इसे भी ज़रूर डालें बहुत ही फायदेमंद होती है सफ़ेद तिल भी इसे भी हम भून के एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसमें फिर से भूनेंगे थोड़ी सी ये है मेथी मेथी दाना मेथी दाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है मेथी इसलिए मेथी को भी ज़रूर डालें अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो मेथी को थोड़ा कम ही डालें क्योंकि मेथी डालने से थोड़ा लड्डू जो है तीखा बन जाता है आप इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए मेथी को डालें देखिए मेथी भी भून चुकी है अब हम मेथी को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके बाद हम इसमें भूनेंगे थोड़ा सा हम डालेंगे आधी चम्मच देसी घी और इसमें गोंद को डालकर इसे भी भून लेंगे आप बिना घी का भी भून सकते हैं लेकिन थोड़ा सा घी डालने से गोद का जो है लावा बहुत ही अच्छे से फूट जाता है गोद जो है पकता है तो इसमें ये बिल्कुल मखाने की तरह लावा जैसे फूट जाता है देखिए अभी कितना ये सख्त है और भूनने के बाद बिल्कुल हल्का सा हो जाता है देखिए गोद को भी हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे भून लेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले देखिए गोद भी हमारा भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे ये है जिसको हम अपनी भाषा में चमसुल बोलते हैं आप इसका इंग्लिश क्या होता है हम स्क्रीन पे लगा देंगे आप देख सकते हैं वहाँ से इसे भी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है सर्दियों के लड्डू में इसे ज़रूर डालें ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है देखिए ये भी अलसी के तरह चटकने लगता है तब इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे फिर से हम उसी कढ़ाई में डालेंगे दो चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे जैसे कि हमें लड्डू बनाना है आप इसके जगह पे एक आता है अलग आटा उसका भी बना सकते हैं लेकिन हमने लिया है चावल का आटा आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही चार से पाँच मिनट इसे भून लें ताकि इसका भी कच्चापन जो है निकल जाए देखिए आटे को भूनने के बाद इसे हम चीनी से नहीं बनाएंगे इसके लिए हम ले लेंगे थोड़ा सा गुड़ गुड़ हमारा 500 सौ ग्राम होगा इसको हमने छोटा छोटा थोड़ा टुकड़ों में कट कर लिया है अब हम उसे कढ़ाई में गुड़ को भी डाल देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे हम एक कप पानी ताकि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए क्योंकि गुड़ को हमें ये सूखा वाला है आपके पास वैसे गुड़ हो तो आप उससे भी बना सकते हैं लेकिन इसे हमें मेल्ट करना है और इसका हमें कोई तार वो, कोई चाशनी नहीं बनाना है सिर्फ चार से पाँच मिनट इसे पका लें बिल्कुल ये पक चुका है अब हम ले लेंगे आटे को देखिए ये हमारा चावल का आटा है इसको हमने एक छन्नी से छान लिया है और सभी चीज़ों को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है देखिए ये है अलसी के बीज ये जो है सबसे ज़्यादा था और ये है हमारा बबूल वाला लासा गोंद जिसको कहते हैं और तीस तिल्ली को भी हमने ग्राइंड कर लिया है आप खड़े भी डाल सकते हैं ये है तिल हमारी और ये है मेथी दाना इसको हम ग्राइंड करके रखे थे इसको हम छान कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा मोटा भी टुकड़ा रह गया है हमने अलसी के बीज को भी चलने से चाला है आप उसे भी चाल कर लें और इसको नहीं चाला था इसलिए हम इसे तुरंत ही चाल लेंगे और इसका मोटा जो है भाग उसको हटा देंगे ये जो चमसुल है इसको हम नहीं पीसेंगे इसे ऐसे ही खड़े ही डालते हैं सिर्फ़ भून हम इसको खड़े ही डाल देंगे और अब हम ले लेंगे थोड़ी सी कटे हुए काजू और थोड़ा सा किशमिश आप ड्राई फ्रूट्स जो है अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जितना डाल सकते हैं अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिलाएंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसे मिलाने के बाद हमने जो गुड़ को मेल्ट करके रखा था एक चीज़ का ध्यान रखें उसे ठंडा हो जाने के बाद ही डालें गरम गरम ही ना डालें देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आटे को भी सभी चीज़ों को ठंडा हो जाने दें देखिए अब हम इसमें आटे में इसे डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे आप एक साथ पूरा ना डालें नहीं तो लड्डू बनाने में दिक्कत होती है थोड़ा सा जरूर बचा लें ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हम लड्डू बनाएंगे तो अच्छे से लड्डू में बाइंडिंग आ जाती है नहीं तो एक साथ ही डाल देंगे तो ये लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता है इसलिए हम थोड़ा सा बचाए हैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको एक साइड में अच्छे से रख देंगे नहीं तो ऐसे ही रहेगा तो ये लड्डू नहीं बन पाएगा देखिए अब हम एक तरफ से उठाते हुए लड्डू को बनाएंगे बिल्कुल भी इसमें ना ही ज़्यादा घी ना ही कोई मावा कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर भी बहुत ही हेल्दी ये लड्डू बनेगा देखिए इसी तरह हम सभी लड्डू को बना लेंगे हमारे लड्डू सभी बन चुके हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना देखिए इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छा बना है हमारा लड्डू अब इसे हम किसी टाइट से कंटेनर में भर कर रख देंगे और इसे महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद